हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन। आज का हॉल मीशो हॉल है एंड बेसिकली इसमें मैंने लहंगा कुछ वेस्टर्न आउटफिट भी इंक्लूड कर दिया है। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। एंड गाइस, जो मैंने वेस्टर्न वाला आउटफिट इसमें डेनिम इंक्लूड किया है एंड जो मैंने ये वियर किया है ये हाई नेक है एंड गाइस फुल स्लीव्स का है। ओके, लेट मी शो यू, ये पूरा फुल स्लीव्स का है। ओके, अभी यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ रही है एंड बारिश भी हुई है तो इस वजह से मुझे इसके ऊपर ओवरकोट लेना ही पड़ा। सो आज का बेसिक हॉल मीशो है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, अंडर 1500 में, आई थिंक अंडर 1100 to 1200 में आपको सारे आउटफिट मिल जाएंगे। एंड गाइस, जनरली मेरी एक क्वेश्चन है कि आपका अफोर्डेबल प्राइस या अंडर आपका जो बजट है वो कितने रेंज तक का है, सो दैट मैं उस रेंज तक का आपके साथ आउटफिट शेयर कर पाऊँ। ओके, सो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मेरी जो अफोर्डेबल रेंज है वो 2000 तक की, मैं इसे मानती हूँ कि 2000 तक अफोर्डेबल रेंज है मेरे लिए। आपके लिए कितना है वो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड फैमिली के साथ में। एंड मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इपिका फैशन विथ मी के नेम से, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो चलिए फर्स्ट आउटफिट देख लेते हैं। फर्स्ट आउटफिट गाइस एक प्यारा सा डेनिम है जो मैंने इस आउटफिट के साथ पेयर करने के लिए लिया था। प्राइस की बात करें तो गाइस ये मुझे 600 समथिंग का पड़ा है एंड इसमें कलर कीवेन है, कलर ब्लू ब्लैक इस टाइप से अवेलेबल है। मैंने इसे ना लाइट ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में लिया, काफ़ी अच्छा कलर ये लगता है एंड वाइट लेग का है, देख सकते हो बटन कीवेन है एंड चेन भी प्रॉपर दे रखी है। बैक साइड में आपको दो पॉकेट्स भी कीवेन है एंड फ्रंट में भी दो पॉकेट कीवेन है एंड क्वाइन वाला इसमें भी कीवेन है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर फिटिंग है एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस डेनिम का ये लगा कि इसे आप हाई वेस्टेड करके भी पहन सकते हो, इसलिए मुझे ये परफेक्ट लगा। मैंने दोनों तरह से वियर किया है, एक जस्ट अगर आप इन करके पहनना चाहते तो पहन सकते हैं, अगर आप हाई वेस्टेड की तरह पहनना चाहते हैं डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लुक वाइज एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस ये जो मैंने हाई नेक पहना है ना, ये काफ़ी यू नो थोड़ा सा वार्मिंग टाइप का है, कॉजी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी चूज कर सकते हैं इसमें, रेड ब्लैक एवरीथिंग, आई थिंक 4 to 5 कलर्स अवेलेबल हैं तो आप चेक कर सकते हैं। प्राइस 200 समथिंग के अप्रॉक्स में ही आपको पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल है, फैब्रिक भी काफ़ी अच्छी है तो आप इसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वन गाइस ये एक गाउन है जो कि रियर मिरर वर्क का यह गाउन है एंड बांधनी प्रिंट में है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने जैसे इसे देखा ना, मुझे मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना प्यारा लगा ये। तो ये गाइस बेसिकली बिना दुपट्टे वाला ये गाउन आपको रिसीव होगा जो कि आपको फ्रंट में कुछ इस टाइप के नेक के साथ मिलेगा, डीप नेक के साथ में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइस। एंड इस पे ना ये थ्रेड का वर्क है एंड रियल मिरर का वर्क है, पूरा राजस्थानी वाला लुक देगा आपको, एकदम ट्रेडिशनल वाला वाइब देगा। स्लीव्स आपको हाफ स्लीव्स के अप्रॉक्स में मिलता है एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये कैप बनाया गया है एंड इस पर भी रियल मिरर है, देख सकते हो रियल मिरर इस पर पेस्टेड है। ओके, एंड पूरा आप देखोगे सेम इस तरह से बांधरी प्रिंट का है, ओवरऑल बेल्ट पे भी काफ़ी सुंदर सा वर्क दिया है। फ्लेयर देखो गाइस, फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा दे रखा है नीचे, पूरा एकदम मस्त वाला लुक दे रहा है। एंड बैक साइड देखो, इसका बैक साइड भी डीप नेक है एंड इस तरह से डबल डोरी दी गई है, इस तरह से आपको बनेगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, डेफिनेटली गाइस जरूर 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 चेकआउट करना। ओवरऑल लुक एंड एवरीथिंग काफ़ी ऑप्शन है। फैब्रिक भी इसका जो जॉर्जेट का फैब्रिक यूज किया गया वो भी काफ़ी अच्छा है एंड फ्लेयर भी अप्रॉक्स 6 मीटर का फ्लेयर है। अंदर में आपको लाइनिंग भी दी गई है, लाइनिंग आपको सैंटून के फैब्रिक की मिलती है जो कि अच्छी क्वालिटी यूज की गई है। ओवरऑल फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। एंड एक चीज़ और दिखाऊं मैं, टैसल में देखो कितने प्यारे प्यारे टैसल बनाए गए हैं इस पर भी, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था एंड एक ट्रेडिशनल वाले लुक का वाइब भी दे रहा था, डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट वन गाइस इसे एक कुर्ता सेट कह सकते हैं, दुपट्टा सेट कह सकते हैं, इस टाइप का ये है। सो इसके साथ में मुझे इस तरह से पजामी रिसीव हुई है जो कि रेयॉन फैब्रिक की है एंड ऊपर में इलास्टिक की वेन है, इलास्टिक की क्वालिटी अच्छी है एंड नीचे में भी आप देखोगे ना काफ़ी प्यारा सा वर्क दे रखा है, सिक्विन एंड थ्रेड का वर्क किया गया है।
ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा है। अच्छा इसमें पॉकेट्स गिवन नहीं होंगे बिकॉज ये अनारकली टाइप का है ना ऊपर का कुर्ता, तो इसलिए इसमें पॉकेट्स नहीं है। जनरली आप लोग पूछते भी हो कि पॉकेट गिवन है या नहीं। ओके सो ये देखो ये इसका कुर्ता है गाइस। इसमें ना साइजेस आपको एम से लेकर के आई थिंक डबल एक्सल तक आपको मिल जाएगी। एंड ये राउंड नेक में है, देख सकते हो कितना प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है नेक पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। फैब्रिक अगेन इसका रेयॉन फैब्रिक है, 3/4 स्लीव से, एंड यहाँ पर भी प्यारा सा वर्क दे रखा है। ओवरऑल देखो आप कितना प्यारा प्यारा वर्क है, नीचे तक पूरा ये वर्क भरा हुआ मिलेगा आपको। एंड नीचे में कट वर्क के साथ में सिक्किंग का काम किया गया है, लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड फ्लेयर ज़्यादा नहीं है गैस एज ए अनारकली, अगर आप ये सोच रहे हो काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर होगा तो इसका फ्लेयर ज़्यादा नहीं है। ओके बैक साइड देखोगे बैक साइड पूरा आपको सिंपल मिलता है, ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्राइस भी गैस आई थिंक 1000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में इसका प्राइस है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड बेस्ट पार्ट गैस इसके साथ में जो आपको दुपट्टा रिसीव होगा वो ऑर्गेंजा के फैब्रिक का रिसीव होगा। एंड इस पर ना आपको जरी का वर्क मिलेगा, गोल्डन जरी के साथ में सिक्विन का वर्क मिलेगा। पहले आप यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा वर्क दिया है, साइड में लेस की डिटेलिंग दे रखी है, एकदम पंजाबी वाला वाइब दे रहा है। एंड ओवरऑल देखो पूरे पे इसी तरह से वर्क दिया गया, लास्ट में इस तरह से दोनों साइड में वर्क है। ओके लुक काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, डेफिनेटली गाइस अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर लीजिएगा, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक ना लहंगा पिक किया है, एंड ये भी आई थिंक 1000 रुपीज़ समथिंग का है, बहुत ही प्यारा आया है। एंड सो गाइस ये लहंगा ना बेसिकली नेट एंड जॉर्जेट के फैब्रिक के कॉम्बिनेशन में है, एंड सेक्विन का भी वर्क हो रखा है, एंड पूरा पार्टी वियर वाला वाइब देगा आपको। सो दुपट्टा देखो, दुपट्टा आपको नेट के फैब्रिक का मिलता है, चारों तरफ इस तरह से पतला सा ना इस पर बॉर्डर के साथ में सेक्विन का काम किया गया है, एंड थ्रेड का भी वर्क हो रखा है। ओके पूरे चारों तरफ दुपट्टे में आपको वर्क मिलेगा। एंड लेंथ प्रॉपर 2.5 मीटर दी गई है, विड्थ भी इसकी काफ़ी अच्छी रखी गई है, ज़्यादा विड्थ भी दे रखा है इसमें। सो दुपट्टे में तो कोई कमी मुझे नहीं लगी ना। अब आप इसका लहंगा देखिए, लहंगा आपको सेमी स्टिच रिसीव होगा बिकॉज ये सेमी स्टिच लहंगा है तो फ्री साइज़ में आएगा। सो ये इसका लहंगा है जो कि आप देखो पूरी सेक्विन बॉर्डर के साथ में, बेल्ट पे कितना प्यारा सा वर्क रखा है। वेस्ट गैस ये 38 to 40 तक आ जाएगी, एंड उस पर भी अब देखो कितना प्यारा सा सिक्विन का पूरा भरा हुआ वर्क मिलता है, नीचे कुछ ज़्यादा ही वर्क दे रखा है इसमें। एंड पूरा ये जो वर्क देख रहे हो ना ये पूरा थ्रेड एंड सिक्वेंस का काम किया गया है। ओके रियल मिरर या मिरर का वर्क नहीं है, फेक मिरर नहीं है, पूरा ये सिक्विन का काम किया गया है। फैब्रिक इसका जॉर्जेट वाला फैब्रिक है, अंदर में आपको एक सैंटोन के फैब्रिक की लाइनिंग दी हुई है। एंड इसमें गैस कैनकेन या कैनवास नहीं यूज किया गया है। फ्लेयर की मैं बात करूँ तो गैस फ्लेयर आपको 3 मीटर का ही मिलेगा, 3 मीटर का इसमें फ्लेयर गिवन है। एंड ओवरऑल लुक आप इसका ट्रायन में देख सकते हैं। एंड गैस इसके साथ में ना आपको जो ब्लाउज का फैब्रिक रिसीव होगा कुछ इस तरह से ये फ्रंट में आएगा, देख सकते हो काफ़ी प्यारा सा इस पर नेक का डिज़ाइन बनाया हुआ है, एंड नीचे में भी काफ़ी सुंदर सा वर्क है, पूरा भरा हुआ वर्क मिलेगा। एंड ये आपको इस तरह से फ्रंट के लिए मिलेगा। बैक साइड के लिए गैस आपको सिंपल सा फैब्रिक की वेन है जो कि जॉर्जेट के फैब्रिक का है, एंड इसमें आप स्लीव भी अगर लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। एंड इसी के साथ में आपको इस तरह से सैमटून के फैब्रिक की लाइनिंग भी की वेन है, 60 मीटर के अप्रॉक्स में ये आपको लाइनिंग की फैब्रिक की दी हुई है। ओके सो ये लहंगा भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्राइस वाइज यह टोटल डिजर्विंग है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आपका अफोर्डेबल प्राइस रेंज क्या होता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।